नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बनेगा देश में सबसे अधिक एथेनॉल उत्पादन वाला प्रदेश। आज आपकी जेब, जिंदगी और जरूरत से जुड़े नियमों में होंगे कुछ बदलाव। प्रदेश में अगले वर्ष तक बिजली चोरी पर लगेगा पूर्ण विराम। बिहार के 5 खिलाड़ियों का रग्बी की इंडियन टीम में हुआ सिलेक्शन। गौतम गंभीर ने की सूर्य कुमार यादव की तारीफ। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बनेगा देश में सबसे अधिक एथेनॉल उत्पादन वाला प्रदेश। जानकारी के अनुसार जल्द ही 8 नए एथेनॉल उत्पादन इकाई का निर्माण कार्य बिहार में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में बिहार पूरे देश में सबसे अधिक उत्पादन इकाई वाला प्रदेश बन जाएगा। उद्योग विभाग के पास उपलब्ध इन 8 कंपनियों के निर्माण का 50% काम पूरा हो गया है। जिन 8 जगहों पर नए एथेनॉल उत्पादन इकाई ने अपना 50% काम पूरा कर लिया है, उनमें आधा दर्जन 2 जिले में है। नालंदा में 3 नई एथेनॉल उत्पादन इकाई का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी तरह मुजफ्फरपुर में भी 3 नई एथेनॉल उत्पादन इकाई जल्द अस्तित्व में आ जाएगी। इनके अतिरिक्त एक एक उत्पादन इकाई बक्सर और बेगूसराय में 50% तक बनकर तैयार है। आज आपकी जेब, जिंदगी और जरूरत से जुड़े नियमों में होंगे कुछ बदलाव। आज नवंबर महीने की 1 तारीख है और आज आपके रोजमर्रा से जुड़े कई नियमों में बदलाव देखे जा सकते हैं। हर महीने की 1 तारीख की तरह इस महीने भी कुछ अहम बदलाव देखे जा सकते हैं। ये बदलाव आपकी जेब, जिंदगी और जरूरत से जुड़े हुए होते हैं। इस बार कुछ आर्थिक बदलाव ऐसे हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। इसी कड़ी में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 नवंबर से बीमाकर्ताओं के लिए KYC विवरण देना अनिवार्य कर सकती है। हर महीने की 1 तारीख को पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है। 1 नवंबर से ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव भी होने जा रहा है। रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी से जुड़ी प्रक्रिया में भी आज से बदलाव हो सकती है। रॉयल भूटान मठ इस वजह से है बेहद खास। रॉयल भूटान मठ बिहार के बोधगया में स्थित एक शानदार बौद्ध मठ और मंदिर है। गौतम बुद्ध के जीवन से महत्वपूर्ण उदाहरणों को मिट्टी की नक्काशी में दर्शाने वाला मठ के रूप में प्रसिद्ध है, जो दुनिया भर में लाखों बौद्ध अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भूटान के राजा ने इस मठ का निर्माण भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु करवाया था। यह मठ निश्चित रूप से अपनी शानदार वास्तुकला, शांति और भगवान बुद्ध की 7 फीट ऊंची प्रतिमा से आपको प्रभावित करेगा। शाश्वत शांति की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग इस मठ में आते हैं। बौद्ध मानते हैं कि भिक्षुओं की आध्यात्मिक खोज से पूरे समुदाय को लाभ होता है और उनके अनुष्ठान समृद्ध और सुरक्षा लाते हैं। इस जिले में है बिहार के सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा। बिहार की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के पूर्वी छोर पर स्थित पालश बाबा धाम में स्थित है। बता दें कि यह शिव जी की प्रतिमा 111 फीट ऊंची बनकर तैयार हो गई है। यह बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। कंक्रीट के बने इस प्रतिमा के निर्माण में लगभग 5 साल लगे हैं। कुशल मूर्तिकारों की टीम ने इस भव्य प्रतिमा का निर्माण किया है। पुरानी जूटी रोड यानी सासाराम टेहरी लिंक रोड से गुजरते समय यह प्रतिमा दूर से ही नजर आती है। प्रतिमा का लोकार्पण समारोह 7 नवंबर को होना है, जिसमें बाबा रामदेव समेत देश के कई प्रसिद्ध संत भाग लेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन विभाग अजय भट्ट भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंदिर और प्रतिमा का निर्माण पायलट बाबा ने कराया है। यह अपने निर्माण काल से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। इस मामले में बिहार के पूर्णिया को मिला देशभर में 3रा स्थान। नीति आयोग ने देश के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग शिक्षा, वित्तीय समावेशन और स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न इंडिकेटर पर की है। शिक्षा के क्षेत्र में देश के 112 आकांक्षी जिलों में पूर्णिया का जहां 3रा स्थान है, वहीं वित्तीय समावेशन और स्किल डेवलपमेंट में बिहार के किसी भी जिले का नाम नहीं है। हालांकि मई में विभिन्न इंडिकेटर में बेहतर स्कोर और प्रदर्शन के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णिया का 2रा स्थान था। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग चैंपियन ऑफ चेंज के इंडिकेटर के आधार पर तकरीबन हर महीने जिलों की रैंकिंग जारी करता है, जिसका उद्देश्य सतत विकास की प्रक्रिया को बरकरार रखना है और जिले को आकांक्षी जिले के श्रेणी से बाहर निकालकर विकसित जिले की श्रेणी में पहुंचाना है। ये सब भी अब संभालेंगे BLO की कमान। अब शिक्षक के अलावा चुनाव आयोग ने डाकिया, ANM और आंगनबाड़ी सेविका को भी BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद चुनाव आयोग को 9 नवंबर से शुरू होने जा रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण में मदद होगी। आयोग ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को सूचित कर दिया है। BLO बनाए जाने वाले सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मियों की विस्तृत सूची भेजी गई है। इस सूची में अमीन, कर्मचारी, लेखापाल, पंचायत सचिव, हेल्थ वर्कर और नगर निकायों के कर
संग्रहकर्ताओं की सेवा भी BLO के रूप लेने के लिए CEO को अधिकृत किया है। BLO की जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मियों को आयोग प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मानदेय का भुगतान करता है। प्रदेश में अगले वर्ष तक बिजली चोरी पर लगेगा पूर्ण विराम। बिहार में अगले वर्ष तक बिजली चोरी पर लगभग पूर्ण विराम लग जाएगा। बिहार विद्युत विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। दरअसल मार्च 2023 तक राज्य के सभी 11 केवी फीडर पर बिजली मीटर लग जाएंगे। इसके साथ ही मोहल्लों में लगे 5,00,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर भी दिसंबर 2023 तक मीटर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इससे बिजली चोरी पर लगाम लगेगी, जिसका फायदा बिजली कंपनी के साथ ही उपभोक्ताओं को भी होगा, क्योंकि इसके बाद बिजली की कीमत में भी कमी आएगी। अधिकारियों के अनुसार फीडर और ट्रांसफार्मर में मीटर लगाने का काम केंद्र प्रायोजित RDSS योजना के तहत की जा रही है। वहीं 33 KV फीडर में मीटर लगाने का काम अंतिम चरण में है। पटना जंक्शन समेत दानापुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों के सभी काउंटर खोले जा रहे। छठ पूजा के संपन्न होने के बाद यात्रियों की वापसी को लेकर पटना जंक्शन के अलावा राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर, पाटलिपुत्र जंक्शन, आरा, बक्सर, पटना साहिब, बख्तियारपुर, राजगीर समेत अन्य प्रमुख स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में अनारक्षित काउंटर के संग आरक्षित काउंटर खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। सोमवार को यानी बीते दिन पटना जंक्शन पर महावीर मंदिर छोर से लेकर करबीघैया छोर तक सभी 22 काउंटर खुले रहे। हालांकि सभी काउंटरों पर भीड़ कम रही। बुकिंग कार्यालय के कर्मियों की माने तो लोगों के लौटने का सिलसिला मंगलवार से तेज होगा, यानी आज से तेज होगा। सबसे अधिक टिकट की बुकिंग पटना और बिहार के दूसरे शहरों से प्रदेश लौटने वाले करा रहे हैं। इसमें भी सबसे अधिक टिकट पटना से नई दिल्ली से बुक हो रहे हैं। इसके बाद मुंबई, बेंगलोर, कोटा, एर्नाकुलम समेत अन्य शहरों के लिए हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अब्दुल कवि देसनावी की। अब्दुल कवि देसनावी एक भारतीय उर्दू भाषा के लेखक, आलोचक, ग्रंथ सूची और भाषाविद थे। उन्होंने उर्दू साहित्य पर कई किताबें लिखी। उनके काम में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मिर्जा गालिब और आलाम मोहम्मद इकबाल के बारे में शामिल था। उन्हें साहित्यिक काम के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। देसनावी का जन्म बिहार के राज्य के नालंदा जिले के तहत ब्लॉक अस्थवान के देसान गाँव में 1 नवम्बर 1930 को हुआ था। इनका जन्म एक मुस्लिम विद्वान सुलेमान नदवी के परिवार में हुआ, जो कि मोहम्मद के एक मान्यता प्राप्त इतिहासकार और जीवनी लेखक के वंशज होने का दावा करते थे। भोपाल में आज के कई विद्वान कवि और शिक्षक उनके छात्र रह चुके हैं और कई अन्य छात्रों में उनके मार्गदर्शन में PhD डिग्री प्राप्त की है। 7 जुलाई 2011 को भोपाल, भारत में उनकी निधन हो गए। बिहार के 5 खिलाड़ियों का रग्बी की इंडियन टीम में हुआ चयन। बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन भारत के अंडर 20 रग्बी टीम में हुआ है। इसी हफ्ते उज्बेकिस्तान में होने वाले एशियन रग्बी चैंपियनशिप के लिए इनका चयन हुआ है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि 5 और 6 नवम्बर को उज्बेकिस्तान में महिला पुरुष एशियन रग्बी चैंपियनशिप प्रतियोगिता होनी है। इसके लिए भारत की महिला टीम में 3 जबकि पुरुष टीम में 2 खिलाड़ी चुने गए हैं। भारत की महिला टीम में बिहार की आरती कुमारी, सपना कुमारी और धर्मशिला कुमारी का चयन हुआ है, जबकि भारत की पुरुष टीम में हर्ष कुमार और विद्यानंद का चयन हुआ है। छठ के बाद प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। बिहार का मौसम लगातार बदल रहा है। मॉनसून की पूरी तरह से वापसी के बाद अब प्रदेश में गुलाबी ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा। रात के तापमान में गिरावट आएगी। छठ के सुबह और शाम के अर्घ के दौरान लोगों ने हल्की ठंडी महसूस की। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में उत्तर पछुआ हवा के कारण मौसम अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा, लेकिन रात के तापमान में सामान्य से 1 या 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पटना से टाटा का सफर हुआ अब और आसान। टाटा से धनबाद को चलने वाली ट्रेन स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस का कोच अब LHV में परिवर्तित होने वाला है। इसके साथ ही गाड़ी संख्या 1339 या 13330 धनबाद पटना, धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस के कोच भी LHV में परिवर्तित किया जाएगा। रेलवे ने इन दोनों गाड़ियों को जोड़कर चलाने का फैसला किया है। इन दोनों ट्रेनों के जुड़ने के बाद पटना से टाटा और टाटा से पटना का सफर करना आसान हो जाएगा। स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस पटना से ट्रेन रात में 11:30 में खुलकर अगले दिन सुबह 5:15 में धनबाद, वहां पर 10 मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन टाटानगर के लिए निकल जाएगी, जो कि 11:20 टाटानगर स्टेशन पहुंचेगी। सुपर कंप्यूटर से लैस होगा IIT पटना। अगले साल 2023 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पटना देश के सबसे अपडेटेड सुपर कंप्यूटर से लैस होगा। इससे शिक्षा, चिकित्सा और मौसम के क्षेत्र में रिसर्च को नया आयाम मिलेगा। दरअसल IIT पटना को अगले साल अगस्त तक लगभग 20 करोड़ की लागत से तैयार सुपर कंप्यूटर में
वहीं आईआईटी पटना के डायरेक्टर टीएनसी के मुताबिक सुपर कंप्यूटर पलक झपकते ही 1,00,000 करोड़ से ज्यादा गणनाएं करने में सक्षम है। यह दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। इससे शोध की गुणवत्ता, उसकी समयावधि में बड़ा बदलाव आएगा। बिहार में शिक्षा, चिकित्सा, मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन, शोध और अध्ययन के क्षेत्र में इसका व्यापक इस्तेमाल किया जा सकेगा। राजधानी पटना से इन शहरों के लिए लंबी वेटिंग। छठ बाद पटना से अलग अलग शहरों की ओर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ ट्रेनों के बीते दिन दोपहर बाद से शुरू हो गई है। पटना जंक्शन के टिकट काउंटरों से लेकर प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में भी यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई है। पटना से विभिन्न शहरों को जाने वाली ट्रेनों में 1 नवंबर से 14 नवंबर तक सीटें उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ एक स्पेशल ट्रेनों में कम वेटिंग और आरएसी की स्थिति है। उधर पटना जंक्शन के आरक्षित टिकट काउंटरों से मिली जानकारी के अनुसार पटना से सबसे अधिक नई दिल्ली के लिए लोग अलग अलग तिथियों में आरक्षण कराने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मुंबई, कोटा, अहमदाबाद, एर्नाकुलम समेत अन्य शहरों के लिए भी लोग टिकट करा रहे हैं। गुजरात पुल हादसे पर सीएम नीतीश ने जताया दुख। सीएम नीतीश ने गुजरात पुल हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना तो शायद ही कहीं हुई। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री का रिएक्शन आया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ था। राज्य की सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, वहां की सरकार को इसे देखना चाहिए। मेरी जानकारी तो 132 लोगों की मौत की हुई थी, लेकिन लगातार संख्या बढ़ रही है। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, घटना दुखद है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर किया तंज। बिहार सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और कहा कि जो नीतीश कुमार स्वयं को पटेल का वंशज मानते हैं, वो लौह पुरुष को भुलाने पर दुली कांग्रेस के साथ चले गए हैं। मोदी ने कहा कि पटेल जयंती को देश एकता दिवस के रूप में मना रहे, लेकिन कांग्रेस की संगत का असर है कि नीतीश कुमार ने इससे भी किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ना होते तो हैदराबाद आज पाकिस्तान का हिस्सा होता और हमें वहां पासपोर्ट लेकर जाना पड़ता। वीआईपी ने चिराग को दी नसीहत। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने सोमवार को आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और समाजवाद के खिलाफ षड्यंत्र कर देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से गुलाम बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वीआईपी प्रवक्ता ने कहा कि कहीं लोजपा की हालत भी वीआईपी पार्टी जैसा ना हो जाए, इसलिए चिराग पासवान को संभल कर रहने की जरूरत है। बीजेपी वो घुन है, जहां घुस कर रहेगी उसी को अंदर से खोखला कर देगी। एलजेपी के दो धड़ों के बट जाने के बाद चिराग पासवान अगर बीजेपी को समर्थन देने जा रहे हैं तो उन्हें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मोकामा गोपालगंज उपचुनाव में सीएम नीतीश ने वीडियो जारी कर वोट देने की अपील। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब उन अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है कि वे चुनाव प्रचार के लिए गोपालगंज जाएंगे। हालांकि एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार खत्म होने से 24 घंटे पहले राजद उम्मीदवारों के लिए वोट देने का अपील किया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मुझे भी चुनाव प्रचार के लिए मोकामा आना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मोकामा नहीं आ सका। वहीं गोपालगंज में राजद उम्मीदवार मोहन गुप्ता के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गोपालगंज के विकास के लिए जितना हम लोगों को करना था, हम लोगों ने किया। सीएम नीतीश ने कहा, चिराग पासवान अभी बच्चा है। एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का ऐलान किया है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बच्चा बताया है। सीएम नीतीश ने कहा कि चिराग पासवान पहले से ही बीजेपी के साथ हैं, ये बात सब लोग जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिराग ठीक ही कर रहा है, जदयू के खिलाफ उम्मीदवार किसने खड़ा करवाया यह सब जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि रामविलास पासवान को हमने सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि शुरुआती दिन से ही हमने उनका समर्थन किया था। चिराग पासवान अभी बच्चा है। आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार पर हमला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बीच खींचतान जारी है। आरसीपी सिंह ने इस बार उपचुनाव के बहाने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। मोकामा उपचुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री के नहीं जाने को अप्राकृतिक बताया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें बीजेपी के साथ जनाधार दिया था, उन्होंने जनादेश का अपमान किया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि अगर आप किसी पार्टी में हैं तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव प्रचार के लिए आपको बुलाया जा रहा है और आप नहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर गठबंधन धर्म को आप नहीं निभा रहे हैं। तेजस्वी ने बताया चिराग को लाने का मतलब। दरअसल बिहार में दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है।
उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपनी हार के बारे में पहले से ही जान रही है, वही वजह है कि अब अलग अलग राज्यों से समर्थक बुलाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए की हालत खराब है और ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी जीतने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मोकामा और गोपालगंज में प्रचार करने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम को चोट लगी है, जिसका कारण है कि वह प्रचार से दूर है, लेकिन वे आरजेडी और जदयू के लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। पूरे महागठबंधन को नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए चिराग पासवान को प्रचार के लिए लाया जा रहा है। गौतम गंभीर ने की सूर्य कुमार यादव की तारीफ। साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी लाइनअप के सामने टीम इंडिया के बल्लेबाजी पूरी तरह एक्सपोज हो जाती यदि सूर्य कुमार यादव ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से टीम को संभालना होता। उन्होंने दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर न केवल छठे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की, बल्कि आउट होने से पहले टीम इंडिया को फाइट करने के लिए एक स्कोर दिया। सूर्या की इस बेहतरीन पारी के बाद उनकी तारीफ हर कोई कर रहा है। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने भी सूर्या की तारीफ की है। गंभीर ने कहा कि मैंने इससे अच्छी T20 इनिंग नहीं देखी है, यह संभवतः T20 की बेस्ट इनिंग थी। विकेट लगातार गिर रहे थे और ऐसे पिच पर बल्लेबाजी करना शानदार था। उन्होंने आगे कहा कि जब इंग्लैंड में सभी संघर्ष कर रहे थे, वहां भी सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। उन्होंने वेस्ट इंडीज में भी शानदार बल्लेबाजी की थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। प्रसिद्ध कथावाचक एवं हिंदी साहित्यकार राम किंकर उपाध्याय का जन्म 1924 में हुआ। उर्दू भाषा के प्रसिद्ध लेखक और शायर अब्दुल कावी देसनावी का जन्म 1930 में हुआ। हिंदी भाषा की लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कवित्री तथा नारीवादी चिंतक तथा समाज सेविका प्रभा खेतान का जन्म 1942 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री संतोष गंगवार का जन्म 1948 में हुआ। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी का जन्म 1964 को हुआ था। भारतीय अभिनेत्री एवं पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय का जन्म 1973 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री रूबी भाटिया का जन्म 1973 में हुआ। 1987 को भारतीय अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज का जन्म हुआ था। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक दामोदर मेनन का निधन 1980 में हुआ। और आज के दिन पांडिचेरी विलय दिवस, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वायरल खबर में आज बात होगी फर्जी लकी ड्रॉ के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फर्जी लकी ड्रॉ के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि रेल इंडिया के नाम पर एक नकली लकी ड्रॉ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। व्यक्तिगत विवरण मांगने के बाद 6,000 रुपये जीतने का मौका दे रहा है। पीआईबी ने इसे एक घोटाला कहा है और कहा है कि यह भारतीय रेलवे से संबंधित नहीं है, कृपया इस नकली लॉटरी संदेश को साझा न करें। सबसे अमीर आदमी को इस ऐप से टक्कर देंगे ट्विटर के जन्मदाता। दुनिया के सबसे अमीर आदमी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ के तौर पर भी अपना पदभार संभाल लिया है। एलन मस्क माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के सह संस्थापक जैक डोर्सी ब्लू बर्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक अन्य सोशल नेटवर्क ऐप का परीक्षण कर रहे हैं। पीपल मैगजीन के अनुसार मस्क के अपने अधिग्रहण सौदे से एक हफ्ते पहले 45 वर्ष पूर्व सीईओ डोर्सी ने घोषणा की है कि वह अपने ऐप ब्लू स्काई के लिए बीटा टेस्टर की तलाश कर रहे हैं। कंपनी ने बताया है कि उनका अगला कदम प्रोटोकॉल की टेस्टिंग शुरू करना है। नेटवर्क तैनात होने के बाद इसे कई पार्टियों से समन्वय की जरूरत है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, बिट्टू कुमार राज, कुश कुमार यादव, मृत्युंजय कुमार, ओमकार सिंह, रविशंकर, शंकर मुखिया, कुलदीप कुमार, मुच्चू रंगीला, अंशु कुमार, राम अवतार ठाकुर, उमेश ऋषिदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार क्या कप्तान रोहित शर्मा को अगले मैच में केएल राहुल और आर अश्विन के दूसरे विकल्प के साथ उतरना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।